आरोग्य जागृति। दोस्तों, आज हम आरोग्य जागृति में हीमोफीलिया नाम के एक बीमारी के बारे में जानेंगे। क्या होता है हीमोफीलिया? हीमोफीलिया एक पेचीदा बीमारी है दोस्तों, एक आनुवंशिक बीमारी है। यानी ये बीमारी माता पिता से बच्चों में भी हो सकती है। आमतौर पर यह बीमारी पुरुषों में अधिक पाई जाती है। उसके गुणसूत्र इस बीमारी के वाहक यानी बीमारी को आगे भेजने वाले होते हैं। दोस्तों, इस बीमारी से पीड़ित लोगों में रक्त का थक्का नहीं बनता। इन मरीजों के रक्त में प्रोटीन की कमी होती है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं। यह प्रोटीन फैक्टर रक्त में थक्का जमा कर उसका बहना रोक देता है। रक्तस्राव अधिक हो तो जानलेवा हो सकता है। हीमोफीलिया रोग कितने प्रकार का होता है, आइए जानते हैं। मुख्य तौर पर हीमोफीलिया रोग दो प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की कमी होती है तो हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की कमी होती है। यानी रक्त का थक्का या क्लॉट जमने के लिए आवश्यक तत्व को फैक्टर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हीमोफीलिया बीमारी के लक्षण क्या है। शरीर में नीले निशान पड़ जाते हैं, आँख के अंदर खून का निकलना और नाक से अचानक खून बहना, जोड़ों में सूजन आना और रक्तस्राव होना, ऐठन का होना, अचानक कमजोरी आना और चलने में तकलीफ होना, मस्तिष्क में रक्त का स्राव होना, किसी जख्म से खून कुछ देर के लिए बंद होना, थोड़ी देर बाद वापस चालू हो जाना, मुंह के अंदर कटने या दांत उखड़ने की वजह से रक्त का बहना, ये इस बीमारी के मुख्य लक्षण होते हैं दोस्तों। इसी कठिन बीमारी से जूझ रहे औरंगाबाद महाराष्ट्र के यूनुस खान। औरंगाबाद में पहली बार हीमोफीलिया सोसाइटी औरंगाबाद चैप्टर MGM हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी और डॉक्टर मनोज तोशनीवाल, जो कि हीमोटोलॉजिस्ट है, इनकी टीम ने कड़ी मेहनत से इस सर्जरी को कामयाब बनाया। उन डॉक्टरों से आरोग्य जागृति के टीम ने बातचीत की और इस बीमारी से जूझ रहे यूनुस खान और उसके परिवार से भी मुलाकात की। आज ये पहली बार मराठवाड़ा में ये शस्त्रक्रिया हो पाई है। इस शस्त्रक्रिया के बारे में अगर बोला जाए तो पेशेंट की जो बीमारी थी वह है हीमोफीलिया ए। ये एक तरह की ब्लड की बीमारी है जिसके अंदर एक बार ब्लीडिंग शुरू हो गया तो वो रुकता ही नहीं है, और ये होता है फैक्टर 8 की कमी की वजह से। अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी जन्मतः किसी को रहती है, पैदाइशी ये बीमारी रहती है और उसको परमानेंट कोई भी इलाज नहीं है। अगर किसी को ब्लीडिंग होने लग जाए तो वो रुकना ही नहीं। इस तरह का अनफॉर्चुनेट इवेंट इस पेशेंट के साथ में हो गया। एक रात को सब कुछ अच्छा चल रहा था और उनको सडनली जब स्टूल पास करने के लिए गए तो ब्लीडिंग होने लग गया और हीमोग्लोबिन उनका 12 से डायरेक्ट 4 पर आ गया और पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया। इस कंडीशन में उनको इमरजेंसी में MGM में लाना पड़ा। आज तक ऐसा होता था कि इस पेशेंट को हमको मुंबई या पुणे ही अर्जेंटली रेफर करना पड़ता था क्योंकि यहाँ पर वो सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी, बट पेशेंट की कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि उनको वहाँ रेफर कर पाए। और आज MGM जैसे इंस्टीट्यूट में आज ये सब सुविधाएं एक छत के नीचे हम उपलब्ध कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हीमेटोलॉजिस्ट मैं डॉक्टर मनोज तोशनीवाल रक्त विकार तज्ञ बोलकर पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी जो बहुत ही निष्णात सर्जन है वो हर तरह की जोखिम भरी शस्त्रक्रियाएं भी कर पाते हैं। डॉक्टर आनंद निकाल जी जो आज मराठवाड़ा के सबसे प्रसिद्ध इंटेंसिविस्ट है उन्होंने भी अभी MGM को ज्वाइन किया और हर जगह से हर तरह से ये टीम अप्रोच इस तरह को उपलब्ध हो गया। शुरुआत में हमने सोचा है कि ये हम कर ना पाए और पेशेंट को पुणे भेज सके, बट पुणे में इस सर्जरी को 12-15 लाख तक का खर्चा लगना था और इसीलिए पैसा भी बच पाया और अर्जेंसी भी थी, इसलिए हमने वो सर्जरी यहाँ पर करने का निर्धार किया। ये लेना थोड़ा दिक्कत का भी था क्योंकि पेशेंट को एनेस्थीसिया देना भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनकी जो चेहरे की जो बनावट है वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी कि उनको एनेस्थीसिया देना पाए। हीमोफीलिया पेशेंट रहने से एनेस्थीसिया देने के वक्त भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का रिस्क रहता है और छाती में ब्लीडिंग हो सकती है, तो हमको अंडर सेडेशन थोड़ा सा ज़्यादा अलग तरीके की भूल देकर उसको करने की जरूरत थी। जब वो करने के लिए गए तो उसका 3 लीटर तक का ब्लड तो वहीं से निकला, उसके बाद में भी और 4 दिन तक हर दिन 200-500 ml ब्लड लगता, बट फैक्टर की उपलब्धि जो हीमोफीलिया सोसाइटी की वजह से हो पाई, सिविल हॉस्पिटल की वजह से हो पाई, उस वजह से जल्दी से हमको वो सर्जरी करना पॉसिबल हो गया। आज ये सब सुविधाएं हीमोफीलिया पेशेंट के लिए और सभी पेशेंट के लिए आज औरंगाबाद जैसे शहर में, मराठवाड़ा जैसे दुर्गम भाग में उपलब्ध हो पाई है, इसके लिए मैं सभी का आभार मानना चाहता हूँ। आज इस सब में मेरा रोल बहुत ही कम है, मेन रोल तो सर्जन बोलकर डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी, इंटेंसिव बोलकर आनंद निकाल जी। आज MGM जैसे इंस्टीट्यूट जो एक सुविधा है ये सब एक छत के नीचे उपलब्ध करती है, हीमोफीलिया सोसाइटी जो इन सब पेशेंट ने ही बनाई है पेशेंट के वेलफेयर के लिए,
जो ये लाखों रुपए का लगने वाला फैक्टर पेशेंट के लिए जल्द से जल्द उपलब्ध कर देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव जिन्होंने इस बात का विश्वास दिखाया कि यस, यहाँ पर ये जानलेवा सर्जरी भी हम कर सकते हैं, और इन सब का मैं मेरे तहे दिल से आभार मानना चाहता हूँ कि ये विश्वास से आज हम आगे जा सकते हैं और इन सबको ये सर्विस उपलब्ध कर दे सकते हैं। सर, हीमोफीलिया जो बीमारी है ब्लड से है, तो एज अ हेमाटोलॉजिस्ट इनको आप मतलब माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बात यह है कि ये बीमारी आज भारत जैसे देश में ही ज़्यादा कॉमनली मिलती है, विदेशों में ये कॉमनली नहीं मिलती। इसकी वजह ये कि अपने रिश्तों में होने वाले जो शादियाँ हैं उसके अंदर इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर चाचा, मामा, अत्या, इनके अंदर ही बुआ, इनके अंदर ही अगर शादी हो तो वो जेनेटिक पुल वही रहता है और उनके बच्चों को होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वो अवॉइड करना चाहिए। एक बार परिवार में किसी को हीमोफीलिया है तो उसकी बहन के बच्चे को होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उसकी जाँच करना और फिर गर्भ की भी जांच करना, वो करने से हम हीमोफीलिया इसके ऊपर पूरी तरह से अटकाव ला सकते हैं। हीमोफीलिया बीमारी आपको कब से हुई? ये हीमोफीलिया बीमारी हमारे को बचपन से, जिसमें से मेरे छोटे भाई को है और हमारे दो भांजे को है, ये बात को और इनायत को। तो हम जब बचपन में खेलते थे तो धीरे धीरे हमको मार लगते मालूम होते 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 कि भाई ये हीमोफीलिया बीमारी है। तो ब्लड कहीं भी मार लगा तो ब्लड जमा हो जाना, नीला हो जाना और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होना। दूसरी बात ये है कि हीमोफीलिया बीमारी ऐसी है कि ना जाने कितने लोग बेचारे तकलीफ में है, किसी किसी को फैक्टर नसीब भी नहीं होता। तो गऊ खेड़े में भी है बेचारे, हर एक लोग को है, तो वो भी उन लोग को धीरे धीरे मालूम पड़ रही तो वो आ रहे बेचारे। तो ऐसी मेरे को होमोटोको हो गया था कि पेट में एक 4-5 साल से ब्लडिंग जमा हो गई थी। तो मैं इसका नहीं जाना उसका नहीं जाना, तो बोल रहा हूँ सियादरी में जाओ, कैंप में जाओ, फैक्टर इतना नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसी 3-4 साल 5 साल तक निकाल दिया। अब ऐसा हो गया कि वो होमोटोको बढ़ गया तो तकलीफ दिन ब दिन बढ़ते चली। तो हमारे MGM के टोशनीवाल साहब और तुम्हारे सूर्यवंशी साहब, ये लोगों ने हेल्प की कि भाई हम तुम्हारा ऑपरेशन करी। तो हमारे फैक्टर के वास्ते हमारे सिकंदर साहब, उनके छोटे भाई साजिद अली साहब मैं अपने समीर साहब, इन्होंने कोशिश करके हमारा छोटा भाई हारिस तारे मेहनत करे तो हमको फैक्टर अवेलेबल मिल गया। तो हमारी हिम्मत और बढ़ गई। तो अल्लाह ताला ने हमारे को आगे बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते। ऐसे जितने पेशेंट, जैसा बताया कि अपने देहात में बहुत से लोग हैं जी, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैम में बॉम्बे के अंदर जाना, इतनी दूर जाना, पुणे में जाना, लोगों के पास पैसे नहीं रहते, तकलीफ़ होती। MGM में बेचारे डॉक्टर लोग हेल्प भी करते, अच्छे है डॉक्टर वहाँ के, और मशीनरियाँ है, टेक्नोलॉजी है वहाँ पे सब सारी। और दूसरी बात है कि वहाँ का सारी बहुत सहूलत है, ऐसा नर्स हो डॉक्टर हो झेड़ पीट नहीं करते, चैन से बात करते और बेचारे हैं ना हिम्मत भी देते। देखा हमने आरोग्य जागृति की तरफ से एक हीमोफीलिया पेशेंट की जो मालूमात लिए है, जिसने 35 साल से इससे जूझ रहा है, आज ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन हुआ है उसका और वो आज इससे पूरा मुकम्मल ठीक हो चुका है।